खबर बलिया से है, जहां फर्जी रेलवे अफसर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस ठग को बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने और स्क्रैप का ठेका दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पकड़ा गया ठग खुद को रेलवे का शिक्षक इंजीनियर और अपने भाई को लोको पायलट बताकर लोगों को झांसा देता था। इसने दो लोगों को फर्जी रेलवे अफसर बनकर लाखों की ठगी की। फिलहाल पकड़े गए ठग के आरोपी भाई की पुलिस तलाश कर रही है। पकड़ा गया ठग बिहार का रहने वाला है। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एवं रेलवे में स्क्रैप का ठेका दिलाने के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में वांछित अभियुक्त राजीव रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों से फर्जी रेलवे का अधिकारी बनकर ठगी एवं धोखाधड़ी करता था। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।